हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ट्रेंड, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इमर्जिंग ट्रेंड का जो है सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, वही 4 से 5 नंबर का जो है मैक्सिमम बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन या इसकी जो एप्लीकेशन है उनके बारे में बताना है। फिर मशीन लर्निंग के बारे में बताया गया है, NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जिसमें AR और VR है, इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा। फिर है रोबोटिक्स, बिग डाटा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, IoT है, सेंसर, स्मार्ट सिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। इसमें जो 3 सर्विसेज आती हैं वो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, साथ में ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंस से भी जो है बन सकता है। तो देखते हैं वन बाय वन जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, और सम ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस जो है इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, ये पूरा जो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन बतानी है, ये हो जाएगी। फिर इसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देनी है, ठीक। एग्जाम्पल अगर पूछे तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। अलग अलग करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ आपसे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन भी जो है यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखने हैं, साथ में टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी जो है आप याद रखिएगा, प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT से रिलेटेड है और इसकी कुछ एप्लीकेशन भी पूछी है, तो IoT के बारे में बताना है, IoT क्या है। 2 से 2.5 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा, और इसमें जो है इसकी एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं, इतना जो है 2 से 2.5 नंबर में इनफ है, ठीक है। चलिए आगे शॉर्ट नोट लिखना है क्लाउड कंप्यूटिंग पे, बिग डाटा और इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो एक्सप्लेन करनी है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर आता है बिग डाटा एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिग डाटा बताना है कि बिग डाटा क्या होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। देन इसकी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी और वैल्यू, ये जो है बतानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन करके भी आ सकता है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से ऐड है, छोटा अगर पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, अगर 2.5 नंबर में आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा छोटा करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों को एक्सप्लेन करना है विद एप्लीकेशंस, इसकी जो एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, क्या है ये, डेफिनेशन वगैरह हो जाएगी इसकी, पर्पस क्या है मॉडर्न AI मशीन को डिज़ाइन करने का, देन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं AI के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। चलिए उसके बाद मशीन लर्निंग है, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग जो यहाँ पे गिवन है, ओके। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये बिल्कुल लास्ट में मैंने ऐड किया, जब हम ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे उसके बाद, दोनों को पढ़ने के बाद जो है दोनों के डिफरेंस को ऐड किया है, ठीक है। तो वो लास्ट में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ये NCERT के भी क्वेश्चन है, ये जो NCERT की में जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं है वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और बाकी के सारे क्वेश्चन वही है, ठीक है। जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो सभी जो है NCERT की जो एक्सरसाइज है वही क्वेश्चन है ये। देखिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे भी आ सकता है, स्टोरेज ऑफ डाटा इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसका आंसर जो है ये इसमें गिवन है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑन डिमांड सर्विसेज क्या होती हैं एंड हाउ इट इज प्रोवाइड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें आंसर ये लिखना है। देन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग पूछे गए थे उसमें, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इसका एग्जाम्पल बताना था, तो यहाँ पे दिया गया है। और सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है लार्ज स्केल प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस दे प्रोवाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। ये NCERT के जो क्वेश्चन है ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ओके। फिर ये जो था इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें से आंसर बताना था, तो ये है क्वेश्चन, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था, इसको सभी को जो है एक्सप्लेन करके बताना था,
ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर जो है बन जाएगा, पूरा जो है इसमें दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यही फाइव फ्रेंड्स प्लान टू ट्राई ए स्टार्टअप, हाउएवर दे हैव ए लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ कैन दे अवेल द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड सर्विस टू लॉन्च देयर स्टार्टअप। तो इसमें क्या आंसर लिखना है वो इसमें गिवन है, ठीक है। IoT और WoT कैसे रिलेटेड हैं ये बताना था इसमें, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो कि NCERT की एक्सरसाइज में थे, ठीक है। बाकी जो बचते हैं वो देख लेते हैं, जैसे इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है इसमें नहीं पूछा गया था कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है इमर्सिव एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस, फिर क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, जैसे VR भी होता है, AR भी होता है और MR भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही गिवन है, VR और AR, ठीक है। तो ये दो ही जो है आपको पढ़ने हैं। देन वर्चुअल रियलिटी यहाँ पे विद एग्जाम्पल बताया गया है, डायरेक्ट आपसे वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए वर्चुअल रियलिटी को विद एग्जाम्पल, या आपसे इमर्सिव एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना आ सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी बताई गई है कि AR क्या है, फिर साथ में डिफरेंस दिया गया है दोनों का, AR और VR का, ये भी देखना आपको, ओके। तो ये क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि इन टर्म्स के बारे में भी जो है NCERT की एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, तो इनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि इसको भी हमें पढ़ना है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है सबसे पहले, तो NLP में कहाँ पर इसका यूज़ होता है ये बता दिया है। फिर रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स के एग्जाम्पल जो है ऐड कर दिए हैं। वेब ऑफ थिंग्स क्या होती है ये बताया गया है। सेंसर्स क्या हैं ये है। फिर इसके टाइप्स हैं कि सेंसर्स अलग अलग टाइप का होता है, तो वो दे दिया गया है। स्मार्ट सिटी क्या है ये इसमें ऐड की गई है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन में, या एक्सप्लेन करना आ सकता है जिस तरीके से लिखा है। तो ये 5 6 पार्ट है, 6 के 6 को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ग्रिड कंप्यूटिंग का बन सकता है, और साथ में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो पहले ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में बताना है कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, देन यहाँ पे डिफरेंस आता है ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से। यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर तक का, ठीक है, 6 मार्क्स का आ सकता है, ठीक। तो ब्लॉक चेन के बारे में बताना है, डेफिनेशन दो है इसमें गिवन, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है इसमें, फिर ये पूरी प्रोसेस बताई गई, इसमें ब्लॉक क्या है, पार्ट्स ऑफ ब्लॉक क्या है, ब्लॉक चेन क्या है, माइनिंग क्या है, ठीक। फिर एप्लीकेशन क्या है ब्लॉक चेन की, फिर बेनिफिट क्या है, और कैसे जो है ब्लॉक चेन वर्क करता है, वो सब जो है इसमें ऐड हो गया है, ओके। जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस पूछा गया है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में। तो तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, अगर तीनों को अलग अलग पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इमर्जिंग ट्रेंड बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए हर एक यूनिट में से ऑब्वियस है 10-10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो ये 10 नंबर आपको नहीं छोड़ने, और इमर्जिंग ट्रेंड को बहुत अच्छे से करना है। सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है इमर्जिंग ट्रेंड का, ठीक है, थोड़ा ही सिलेबस है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए और अपने 10 नंबर को जो है आपको पक्का कर लेना है, ठीक, ओके। क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, तो ये सिर्फ याद रखनी है चीज़ें, और आप इजीली जो है अपने 10 नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।